बचाओ। रुक जाओ। नहीं जोशी जी, मैंने खून नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरा भाई राजू वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। मैं निर्दोष हूं जोशी जी, मैंने भैया साहब का खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया जोशी जी, मैं निर्दोष हूं जोशी जी, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया जोशी जी, मैंने खून नहीं किया। राजू हरिया को नहीं छोड़ूंगा, राजू हरिया तुम दोनों से बदला लूंगा। जलपोट, हमदर्दी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हमदर्दी की नहीं, लेकिन ये हरिया कौन है? कहीं क्या आप भैया साहब के छोटे भाई हरिया की तो बात नहीं कर रहे? ठीक बोला, वही हरामजादा। जब से उसे राजू मिला है तब से हमारे शेट्टी जी के नाक में दम कर रखा है। जुल्म वो करता है, सजा हमको भुगतना पड़ता है। राजू? कौन राजू? वही बिन माँ बाप का पिल्ला जिसे हरिया ने 9 साल पहले प्लेटफॉर्म से उठाया और जमीन पर बिठा के आसमान दिखा दिया। राजू, मेरे भाई? नहीं राजू, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता राजू। क्या विक्रम जेल से भाग गया? जी हाँ सर, लेकिन उसकी सजा खत्म होने में तो सिर्फ 2 महीने बाकी थे। यही तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैं देख लेता हूं। ओके सर। ओके। तूने मेरे भाई राजू को नर्क की मंडी का बाशिंदा बना दिया, उसका भी हिसाब आज पूरा करूंगा मैं। कमीने, क्यों बर्बाद कर दी 2 भाइयों की मासूम जिंदगी को? क्यों क्यों जुदा कर दिया मेरे भाई राजू को मुझसे? बोल, बोलता क्यों नहीं हरामजादे? बोल। हरिया, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता हरामजादे। मेरे होते हुए हरिया को कोई नहीं मार सकता। राजू, मेरे भाई, ये क्या कर रहा है तू? अरे मुझे पहचानने की कोशिश कर पगले, मैं तेरा भाई विक्रम हूं और तू मेरा खून है। और आज तू हमारे दुश्मन हरिया को बचा रहा है? किस खून की बात कर रहा है तू? अगर हरिया नहीं होता तो ये खून भी नहीं होता। और रही भाई की बात, कौन है तू? मैं तुझे जानता तक नहीं, फिर रिश्ता कैसे जोड़ लिया तूने? रुक जा वहीं। हरिया तक पहुंचने से पहले हरिया के दुश्मन को इस चट्टान से टकराना होगा। यह खून भी तेरे ही सर होगा।